ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कंसेप्ट देखा था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है? यस। और हम लोगों ने ये भी समझा था कि व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ओके, व्हिच एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, और यू कैन से स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज ऑन दैट पॉइंट इन साइड द फील्ड, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इट इज व्हाट, इट इज वर्क डन, ओके, अगेंस्ट द फील्ड टू ब्रिंग अ चार्ज, ओके, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, ओके, इन साइड द फील्ड, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन साइड द फील्ड, ओके। अब ये जो फील्ड है, तो हम लोग बोलते हैं दैट फील्ड कैन बी क्रिएटेड बाय अ सिंगल पॉइंट चार्ज और इट कैन बी क्रिएटेड बाय अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है? यस। एनी वे, आज हम लोग जो कंसेप्ट देखने वाले हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी जो हम लोग बोलते हैं ई और वी है, उनके बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है? तो ये हम लोगों ने कल भी थोड़ा सा रीड किया था, ओके, आज वापस हम लोग ये करते हैं। कंसिडर द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ चार्ज प्लस क्यू केप्ट एट पॉइंट ओ। लेट अस कैलकुलेट द वर्क डन, ओके, टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट एम टू पॉइंट एन, विच इज एट स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स फ्रॉम एम, ओके। अब यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है सी फिगर 8.6, ओके, यहाँ पे आपकी 8.6 फिगर है, ठीक है? और यहाँ पे उन्होंने ये प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, ठीक है? अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, हम लोग एक अलग डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है? और सिर्फ एक डिफरेंस क्या रहेगा कि हम लोग स्मॉल प्लस क्यू के जगह पे कैपिटल प्लस क्यू यूज करेंगे, ओके? क्यू, तो हम लोग बोलते हैं कि जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए हम लोग, ओके, स्मॉल प्लस क्यू यूज करते हैं, ठीक है? एनी वे, फिलहाल हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, इतना ध्यान में रखना है आप लोगों ने, ये जो डायग्राम है, ओके, इसको प्लीज आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है, चाहिए तो आप इसको बना भी लो, ठीक है? क्योंकि सेम डायग्राम, ओके, मैं यहाँ पे व्हाइट स्क्रीन पे बनाने वाला हूँ, ओके, लेकिन वो डायग्राम बनाने के पहले हम लोग यहाँ पे वापस एक बार देख लेते हैं। लेट अस कैलकुलेट द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओके, फ्रॉम पॉइंट एम टू पॉइंट एन, विच इज एट स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स फ्रॉम एम, ओके। तो आपका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से, ओके, एट पॉइंट ओ, ओके, पॉइंट ओ पे हम लोगों ने कैपिटल प्लस क्यू चार्ज कंसिडर किया हुआ है, ठीक है? उसके बाद हम लोग एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पॉइंट एम ले लेते हैं, ठीक है? यस। और पॉइंट एम से हम लोग क्या करते हैं, ओके, पॉइंट एम के ऊपर हम लोगों ने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है प्लस क्यू, ओके। अब हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल प्लस क्यू जो रहेगा वो स्मॉल प्लस क्यू को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है? तो डेफिनेटली अगर मुझे पॉइंट एम से पॉइंट एन के तरफ, ओके, अब जो पॉइंट एन है तो हम लोग बोलेंगे इट इज क्लोजर टू पॉइंट ओ, ओके, एज कंपेयर टू व्हाट, तो हम लोग बोलेंगे पॉइंट एम। तो पॉइंट एन अगर क्लोजर है तो हम लोग बोलेंगे यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्गर रहेगा, और ज्यादा रिपल्शन क्या होगा, ओके, जो यूनिट चार्ज है वो एक्सपीरियंस करेगा। बोलने का मतलब ये है कि अगर आप प्लस क्यू यानी स्मॉल प्लस क्यू को अगर आप पॉइंट एम से पॉइंट एन पे लेके आते हो, ओके, सो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाते हो, ठीक है? और आप जो भी वर्क करोगे दैट विल बी अगेंस्ट व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। लेट अस से पॉइंट एम से पॉइंट एन जब हम लोग चार्ज को लेके आते हैं, ओके, तो वो टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, डीएक्स है, ओके। तो ऐसे केस में आप जो फोर्स अप्लाई करोगे, ओके, यस, तो जो फोर्स रहेगा दैट विल बी इन द सेम डायरेक्शन। लेट अस से जो अप्लाइड फोर्स है उसको मैं एफ ए बोल देता हूँ, ठीक है? एंड इट इज अगेंस्ट व्हाट, तो मैं रेड कलर से दिखा देता हूं, इट इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन वेक्टर एफ, ओके। तो अप्लाइड फोर्स जो है वेक्टर एफ ए, दैट विल बी अगेंस्ट व्हाट, वेक्टर एफ, ओके। अब यहां पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, यस, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इट इज गोइंग टू बी इन द सेम डायरेक्शन, ओके, एज अ वेक्टर विच इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट एम, ओके। चाहिए तो मैं यहां पे इस तरह से ये वेक्टर दिखा देता हूं, सो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज, ओके, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो हमारा मेन चार्ज है विच इज एट पॉइंट ओ, उसको हम लोगों ने कैपिटल प्लस क्यू कंसिडर किया है, और जो यूनिट टेस्ट चार्ज है उसको मैं स्मॉल प्लस क्यू बोल रहा हूँ, ठीक है? ये हम लोगों ने हमारे नोटेशन यूज किए, ओके। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो वेक्टर एफ है, ठीक है, यस, एंड वेक्टर ओ एम जो रहेगा,
ओके यस बोथ आर इन सेम डायरेक्शन ओके और सेम कंसेप्ट आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है. अगर आप यहां पे देखोगे लेट अस कैलकुलेट द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट एम टू पॉइंट एन विच इज एट स्मॉल डिस्टेंस dx. ओके द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एम इज अलोंग वेक्टर ओ एम. ओके मैं ये लाइन की बात कर रहा था. ओके तो यहां पे अगर आप देखोगे तो उन्होंने क्या बोला हुआ है, जो टेक्स्ट बुक में स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ऐसा बोला हुआ है कि जो प्लस क्यू चार्ज यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा. ओके दैट विल बी इन विच डायरेक्शन, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ओ एम. ओके यानी जो हम लोग बोल रहे हैं वेक्टर ओ एम जो डायरेक्शन में वही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा. आप इसको वेक्टर एफ बोलो और यू कैन से द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज जिसको हम लोग क्या बोलेंगे वेक्टर ई. तो वेक्टर एफ एंड वेक्टर ई दोनों का डायरेक्शन क्या है. ओके इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट ओ एम. लेकिन आपको चार्ज कहां से कहां मूव करना है फ्रॉम पॉइंट एम टू पॉइंट एन इन द अपोजिट डायरेक्शन. इसलिए आपको जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा एफ ए दैट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन. ओके और उसका कंडीशन ऐसा रहेगा कि वेक्टर एफ ए ओके मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर एफ. हाउएवर उसका जो डायरेक्शन रहेगा ओके वो डायरेक्शन क्या रहेगा अपोजिट. तो हम लोग बोलेंगे ये बेसिक कंडीशन है वेक्टर एफ ए मस्ट बी इक्वल टू व्हाट वेक्टर एफ. बट जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो दोनों वेक्टर्स है वो अपोजिट वेक्टर्स है. ओके तो वेक्टर फॉर्म में मैं ऐसा बोलूंगा वेक्टर एफ ए एंड वेक्टर एफ यानी अप्लाइड फोर्स एफ एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बोथ आर अपोजिट वेक्टर्स. ये क्लियर है ओके जिनका मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल है. ठीक है एनीवे व्हाट विल से इज ओके कि यहां पे वेक्टर ई क्या है. वेक्टर ई इज नथिंग बट वेक्टर एफ पर यूनिट चार्ज. ओके यानी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट ओके पॉजिटिव चार्ज. ये क्लियर है आप लोगों को. स्केलर फॉर्म में ये कैसा आ जाएगा ई इज इक्वल टू व्हाट एफ अपॉन क्यू. यहां तक क्लियर है. अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो टूवर्ड्स राइट है. यानी आप लोगों के हिसाब से बता रहा हूं मेरे लिए ये लेफ्ट है लेकिन आप लोगों को जो दिखेगा स्क्रीन पे ओके यस तो ये क्या हुआ राइट डायरेक्शन. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ जो हम लोग बोल रहे हैं कि रिपल्शन है इट इज टूवर्ड्स द राइट. तो अप्लाइड फोर्स कहां पर रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में टूवर्ड्स द लेफ्ट. तो हम लोग बोलेंगे कि जो अप्लाइड फोर्स है इट विल प्रोड्यूस अ वर्क और इट विल ओके एक्चुअली परफॉर्म अ वर्क प्रोड्यूस बोलने से अच्छा डी डब्ल्यू विच विल बी इक्वल टू वॉट अप्लाइड फोर्स एफ ए इंटू डिस्प्लेसमेंट. ये जो डिस्प्लेसमेंट है बहुत ही स्मॉल है dx. ये हो जाएगा वेक्टर एफ ए डॉट वेक्टर dx. ओके या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं ओके सिंपली मैं ऐसे बोल देता हूं एफ ए इंटू dx ओके कॉस ऑफ जीरो. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एफ ए इंटू dx. ठीक है या फिर आप dw को सपोज आपको एफ ए इंटू dx नहीं लिखना है यानी अप्लाइड फोर्स के टर्म्स में नहीं लिखना है आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है फोर्स ऑफ रिपल्शन उसके टर्म्स में लिखना है. तो वो लिखते वक्त आपको फिर क्या करना पड़ेगा यहां पे एक माइनस साइन अप्लाई करना पड़ेगा. उसके पीछे रीजन क्या है एफ ए इज इक्वल टू वॉट माइनस एफ. ओके तो ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओके और ये रिजल्ट आपको क्या बता रहा है ओके दिस इज द वर्क डन विच इज अगेंस्ट वॉट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन राइट में है और आप जो वर्क कर रहे हो यानी जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहे हो वो लेफ्ट में है. ओके तो हम लोग बोलेंगे डी डब्ल्यू कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज वॉट माइनस एफ इंटू डी एक्स. ओके ये क्लियर है ओके अब यहाँ पे मैं वेक्टर साइन नहीं यूज कर रहा हूं. ओके आपके टेक्स्ट बुक में भी सिंपली उन्होंने ऐसे ही दिया हुआ है. ओके द वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वॉट माइनस एफ इंटू डी एक्स और उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया इट इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट माइनस ई इंटू डी एक्स. ओके अभी यहाँ पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है तो मैं आपको बोलूंगा कि ये पार्ट जो है इसको थोड़ा क्या करना है आप लोगों ने इग्नोर करना है दिस पार्ट. ओके इसको हाईलाइट कर देता हूं. इसके ऊपर अभी ध्यान नहीं देना है सिर्फ आपने क्या देखना है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी एक्स. ओके सो इस साइड पे लिखता हूं मैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी एक्स. ओके डिवाइडिंग एल एच एस एंड आर एच एस ओके बाय स्मॉल चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू. सो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू विल बी इक्वल टू वॉट ओके विल से माइनस एफ अपॉन क्यू डॉट डी एक्स. ओके अब डी डब्ल्यू अपॉन क्यू क्या रहेगा ओके सो इट विल बी ओके वर्क डन पर यूनिट चार्ज
एंड वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो हम लोग बोल रहे हैं डीडब्ल्यू क्या है, इट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ओके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ओके इज एक्चुअली नथिंग बट वॉट यू कैन से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, या चेंज इन पोटेंशियल डीपी. ओके, विच इज इक्वल टू वॉट, एफ अपॉन क्यू. तो अभी हम लोगों ने एफ अपॉन क्यू को क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है इंटू डी एक्स. ओके, सो आपको क्या मिलेगा यहां पे, इसको रीअरेंज किया तो ई इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स. ओके, ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर वन, और इसको मैं बोल देता हूं दिस इज योर रिजल्ट नंबर टू. अभी आपको यहां पे डाउट आ रहा होगा कि सर ये जो डी वी है वो एग्जैक्टली है क्या. ठीक है, तो एकदम सिंपल है, मैं आपको यहां पे लिख के बता देता हूं. ओके, डी डब्ल्यू ओके, यानी जो वर्क डन हम लोग करने वाले हैं, ओके, दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू वॉट, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कब होगा, जब आप चार्ज को पॉइंट एम से ओके पॉइंट एन पे लेके आ रहे हो. ओके, तो पॉइंट एम पे जो पोटेंशियल एनर्जी रहने वाली है ओके डेफिनेटली वो कम रहेगी, एंड पॉइंट एन पे क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी. क्यों, तो आप जो भी वर्क कर रहे हैं दैट इज अगेंस्ट वॉट, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी जब आप उसको पॉइंट एन पे लेके जाते हो तो ओवरऑल हम लोग बोलते हैं देयर इज इंक्रीज इन वॉट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द सिस्टम, हेंस इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वॉट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. देखो एकदम सिंपल बात है, अगर आप स्प्रिंग को क्या करते हो ओके प्रेस करते हो, कॉम्प्रेस करते हो, तो हम लोग बोलते हैं यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट वॉट, ओके स्प्रिंग, या जो हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स है उसके अगेंस्ट आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो. अब आप जब उसको कॉम्प्रेस कर रहे हो, द वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वॉट, पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज लेटर यूटिलाइज ओके टू ब्रिंग द स्प्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप. या फिर आप जो बोलते हो कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसको क्या करता है, वापस ओके अपने ओरिजिनल शेप में लेके आता है. यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, जब आप ओके पॉइंट एम से पॉइंट एन ओके यहां पे कर्सर पे ध्यान देना है सब लोगों ने, पॉइंट एम से पॉइंट एन लेके आते हो ओके, तो आप डिस्प्लेसमेंट डीएक्स कर रहे हो. ये जो डिस्प्लेसमेंट डीएक्स है ओके, दिस विल कॉज वॉट, वर्क डी डब्ल्यू, विच विल ऑल्सो कॉज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो मैं बोलूंगा जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज गोइंग टू बी वॉट, यू एन, एंड इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है ओके, इट विल बी यू एन. यानी इनिशियल पॉइंट से आप जब फाइनल पॉइंट पे लेके आ रहे हो, पर एकदम सिंपल है, जब इंक्रीज होता है तो अपन क्या करते हैं, हायर माइनस लोअर करते हैं, और इंक्रीज हुआ है इसका मतलब क्या, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इट इज हायर. ओके, अब एकदम सिंपल बात है, दिस डी डब्ल्यू ओके विल डिवाइड इट बाय क्यू, तो आपको क्या मिलेगा, इट विल बी यू एन अपॉन क्यू माइनस यू एम अपॉन क्यू. ओके, नाउ व्हाट इज यू एन अपॉन क्यू, इट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, बराबर है. और यहां पे भी हम लोग बोलेंगे दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, दिस वॉज एट पॉइंट एम एंड दिस वॉज एट पॉइंट एन. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा हुआ है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज ओके इन साइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट वॉट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. ये हो गया आपका वी एन, और यू एम अपॉन क्यू क्या हो जाएगा, इट विल बिकम वी एम. क्या मैं बोल सकता हूँ, वी एन माइनस वी एम ओके इज नथिंग बट वी एन, एन क्या है, या आप ऐसे बोल सकते हो पॉइंट एन पे जो पोटेंशियल है दैट इज वी एन, और यहां पे जो पोटेंशियल है ओके यस, सो दैट इज गोइंग टू बी वी एम, एंड डेफिनेटली वी एन का वैल्यू क्या रहेगा, इट इज ग्रेटर देन वी एम. ओके यस, और इसके पीछे हम लोगों ने कल देखा हुआ है जो वी का फॉर्मूला था दैट वॉज वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन ओके या एप्सिलॉन नॉट, कंसिडरिंग की जो चार्ज है इट इज केप्ट इन फ्री स्पेस. ओके, तो ये हो जाएगा कैपिटल क्यू अपॉन आर, तो वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. अगर आर कम होता है इन ए डिस्टेंस फ्रॉम द मेन चार्ज विच इज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो डिस्टेंस अगर कम होता है तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा. तो जब आप एम से एन के तरफ जाते हैं यू मूव क्लोजर टू द कैपिटल प्लस क्यू, बराबर है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ने वाला है डेफिनेटली. इसलिए मैं बोलूंगा वी एन विल बी ग्रेटर देन वी एम, एंड दिस वी एन माइनस वी एम इज नथिंग बट डी वी. वही हम लोगों ने क्या किया है, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू को क्या लिखा है, डी वी लिखा है. तो ये सब एक्सप्लेनेशन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है ओके, और आपके टेक्स्ट बुक में सिंपली क्या कर दिया है उन्होंने, ये जो रिजल्ट है वो डायरेक्टली दे दिया है. ठीक है, टेक्स्ट बुक में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं ओके जिसका उन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, कुछ जगह पे उन्होंने मिस्टेक्स भी की हुई, जो मैं आपको जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वो मैं बताते जाऊंगा. ठीक है यस, तो एनी वे हम लोग कहां पे थे, यस, सो वॉट वी गेट इज ई इज इक्वल टू
माइनस डी वी बाय डी एक्स। ओके यहां तक क्लियर है, बाकी का आप खुद से रीड कर सकते हो। ओके ये सो व्हाट वी से इज दस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। ओके इसका मतलब क्या है, हम लोग बोलते हैं कि जो डी वी बाई डी एक्स का अपने आप में जो नेचर है वो नेगेटिव है। ओके तो जब हम लोग ई का इक्वेशन लिखेंगे दैट विल बी माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स। ओके अब जब मैं बोलता हूँ डी वी बाई डी एक्स का खुद का नेचर, ओके सो लेट अस टॉक ओनली अबाउट व्हाट डी वी बाई डी एक्स। ओके तो पहली बात आप ये समझो कि अगर मैं बोलता हूं इफ वी आर मूविंग ओके टूवर्ड्स द कैपिटल प्लस क्यू, तो ऐसे केस में अगर हम टूवर्ड्स, तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे पॉइंट एम से पॉइंट एन के तरफ जा रहे हो, तो यहां पे जो डी एक्स रहेगा ओके वो डी एक्स हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, इट विल बी नेगेटिव। अब जब आप पॉइंट एम से पॉइंट एन जा रहे हो तो डी एक्स नेगेटिव क्यों रहेगा, ओके तो एकदम सिंपल लॉजिक है इसमें कि हम लोग बोलते हैं वी आर मूविंग क्लोजर टू द कैपिटल प्लस क्यू, यानी डिस्टेंस क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ओके तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो डी एक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव, लेकिन डिस्टेंस अभी कम हो रहा है तो डी एक्स हम लोग क्या बोलेंगे, इट विल बी नेगेटिव। ओके अब जब डी एक्स नेगेटिव है ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं जो डी वी का वैल्यू है इट इज वॉट, पॉजिटिव। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है ओके कि अगर डी एक्स कम हो रहा है तो डी वी बढ़ रहा है। ओके यस तो ये लॉजिक की वजह से हम लोग बोलते हैं कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है डी वी बाय डी एक्स ओके उसका खुद का नेचर कैसा है, बाय डिफॉल्ट इट इज नेगेटिव। और जब हम लोग ई का इक्वेशन लिखते हैं तो वहां पे कैसा आता है, फिर इट इज माइनस ऑफ डी वी बाय डी एक्स। ओके आई होप आपको ये समझा है, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है दस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। ओके पोटेंशियल ग्रेडियंट इज चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट चेंज इन डिस्टेंस ओके इन अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्लियर है। ओके अब एक और कंसेप्ट है इसमें विच इज ऑफ जीरो पोटेंशियल। ओके तो वॉट एग्जैक्टली इज जीरो पोटेंशियल, ओके तो यहाँ पे अभी मैंने ये पॉइंट जो उसको हाईलाइट किया हुआ है, द नेचर ऑफ पोटेंशियल इज सच दैट इट्स जीरो पॉइंट इज आर्बिट्री। अब इसका मतलब क्या है, ओके तो पहली बात आपको ये समझना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ठीक है यस, तो उसमें जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट सीखते हैं ओके यस, तो दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन वॉट, ओके कि हम लोग जो चार्ज है उससे कितने डिस्टेंस पे है। अभी हम लोग जो कंसिडर कर रहे हैं ना वो एक सिंगल चार्ज कंसिडर कर रहे हैं, ओके लेट अस से कैपिटल प्लस क्यू बोल देता हूं। अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि लेट अस से यहां पे मैं कुछ सीरीज ऑफ पॉइंट्स ले लेता हूं, ओके लेट अस से दिस इज एक्स, एक रैंडम पॉइंट ले लेता हूं, कंपलसरी नहीं सब कोलिनियर ही होने चाहिए, ये एक पॉइंट ले लिया वाई और ये एक पॉइंट ले लिया सेट ठीक है यस, और ये जितने भी डिस्टेंसेस है ओके जो पहला वाला डिस्टेंस है इसको मैं बोल देता हूं ये पॉइंट आपका ओ है, ये हो गया आपका ओ एक्स, दिस इज ओ जेड एंड दिस इज ओ वाई। ओके सो वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉट आर। अब ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है ओके तो यहां पे अगर मैं डिस्टेंसेस की बात करूं ओके देखो मैंने ऐसा कंसिडर नहीं किया है कि जो एक्स वाई जेड है वो तीनों कोलिनियर है ओके क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि जब मैं पोटेंशियल की बात करता हूं ओके इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ व्हाट डिस्टेंस। ओके बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं कुछ पॉइंट्स ले लेता हूं लेट अस से कि जो ओ वाई है इट इज इक्वल टू आर और एक पॉइंट ले रहा हूं मैं पॉइंट ए रैंडमली वो भी डिस्टेंस आर पे है और यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं इसको ए बोल देते हैं और इसको बी बोल देता हूं मैं, ये जो पॉइंट है वो भी जो डिस्टेंस पे है वो आर है, तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा ओके ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू यू कैन से ओ वाई इक्वल टू आर। तो हम लोग बोलेंगे कैपिटल प्लस क्यू से ये जितने भी पॉइंट्स है वाई ए एंड बी ओके दे आर एट सेम डिस्टेंस, तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट वाई, ये आपको आ रहा है समझ में, सिंस द वैल्यू ऑफ आर इज वॉट कॉन्स्टेंट। ओके लेकिन जब मैं ऐसे बोलता हूँ ओके ये जो अभी मैंने लिखा है उसको मैं, या फिर चलो जो हमारा इनिशियल केस था वो डिस्कस कर लेते हैं, हमारे जो ओरिजिनल पॉइंट्स थे वो पॉइंट एक्स था पॉइंट वाई था और पॉइंट जेड था ठीक है, ऐसे केस में मैं बोलूंगा ओ जेड का जो वैल्यू है ओके इट इज लीस्ट, फिर आता है ओ वाई और सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है ओ एक्स, तो ऐसे केस में जिसका डिस्टेंस सबसे कम है जो पॉइंट का ओके तो मैं बोलूंगा कि उसका पोटेंशियल क्या रहेगा मैक्सिमम, तो वी जेड विल बी ग्रेटर देन वी वाई ओके एंड
ये जो दोनों है दे विल बी ग्रेटर देन वॉट, ओके वी एक्स, यानी वी एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स का वैल्यू क्या रहेगा मिनिमम। बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं एक और पॉइंट ले लेता हूं इसके आगे, ओके लेट अस से एम, मैं बोलूंगा इसका पोटेंशियल और भी कम हो जाएगा, ये ना यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि वी एक्स इज ग्रेटर देन वी एम, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, सिंस वी से वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे विल से लेट अस से दिस पॉइंट इज ओके टी, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट बी टी पे हम लोग बोलेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोथ आर निग्लिजिबल, ओके बोथ आर निग्लिजिबल। तो ऐसे केस में अगर मैं बोल रहा हूं पॉइंट टी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निग्लिजिबल है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निग्लिजिबल, इसका मतलब क्या है, वी टी का वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू जीरो, ओके यस। और वी टी का वैल्यू जीरो है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करेंगे, यानी विद रेफरेंस टू पॉइंट टी हम लोग हर एक पॉइंट का क्या मेजर कर सकते हो, पोटेंशियल मेजर कर सकते हो। ये देखो डिस्टेंस हम लोग विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल प्लस क्यू मेजर करते हैं, लेकिन अगर मुझे सिर्फ पोटेंशियल मेजर करना है, ओके देखो नॉर्मली हम लोग क्या मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल ओके हम लोग ऐसे बोलेंगे वी वाई माइनस वी टी इज इक्वल टू वी वाई टी, ओके वी वाई टी यानी क्या, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट वाई एंड पॉइंट टी। लेकिन वी टी का वैल्यू अगर जीरो है तो मैं बोलूंगा वी वाई इज इक्वल टू वॉट वी वाई टी, यानी मैं बोलूंगा वी वाई टी अगर मैं कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट टी मेजर कर रहा हूँ, यानी मेरा रेफरेंस अगर पॉइंट टी है तो मुझे एक्चुअली क्या मिल रहा है, मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल रहा है एट द फर्स्ट गिवन करस्पॉन्डिंग पॉइंट। बोलने का मतलब अगर मैं पॉइंट वाई ओके और पॉइंट टी के बीच में ओके पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा हूं, तो पॉइंट टी क्या है, जीरो पोटेंशियल का है, तो जो भी आपका वैल्यू आएगा ओके दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू वॉट, यानी वी वाई टी का वैल्यू क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू वी वाई, यानी पॉइंट टी क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया एंड दिस पॉइंट इज ऑफ जीरो पोटेंशियल, ओके। अभी आप बोलोगे सर लेट अस से ओ एंड टी के बीच में का जो डिस्टेंस है ओके उसको हम लोगों ने एल बोल दिया, तो ऐसे तो बहुत सारे डिस्टेंसेस हैं। लेट अस से मैं ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पॉइंट ले लेता हूँ, ओके वो पॉइंट को हम लोग बोल लेके लेट अस से पी बोल दिया मैंने, पी हम लोगों ने यूज नहीं किया है, ओके मैं बोलूंगा कि ओ टी का वैल्यू इज इक्वल टू वॉट ओ पी, लेट अस से इट इज इक्वल टू वॉट एल, तो मैं बोलूंगा पॉइंट पी इज ऑल्सो ऑफ वॉट जीरो पोटेंशियल। इन्हें बोलने का मतलब क्या है कि हम लोग बोलेंगे ऐसे एन नंबर ऑफ पॉइंट्स रहेंगे स्पेस में, ओके जिसको हम लोग बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल, ओके आई होप आपको ये आया समझ में। देखो एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस एल, मेरा कंक्लूजन ये है एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस एल फ्रॉम कैपिटल प्लस क्यू, ओके या चार्ज कैपिटल प्लस क्यू, हम लोग बोलेंगे कि वो डिस्टेंस एल पे जाने के बाद ओके जो भी पर्टिकुलर पॉइंट मिलेगा वो जीरो पोटेंशियल का रहेगा, ओके सो देर आर एन नंबर ऑफ सच पॉइंट्स। यहां तक क्लियर है, तो वापस टेक्स्ट बुक पे जाते हैं। इसलिए यहां पे बोला हुआ है द नेचर ऑफ पोटेंशियल इज सच दैट इट जीरो पॉइंट इज आर्बिट्री, ओके यानी आप कौन सा भी सिलेक्ट कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। दिस डज नॉट मीन दैट द चॉइस ऑफ जीरो पॉइंट इज इनसिग्निफिकेंट, ओके जो पॉइंट हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं ओके वो हमारे पे डिपेंडेंट है एंड डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, ओके यस या डिपेंडिंग कि हम लोग क्या वहां पे निकालना चाहते हैं ओके या क्या एनालाइज करना चाहते हैं, ओके सो वी से दिस डज नॉट मीन दैट द चॉइस ऑफ जीरो पॉइंट इज इनसिग्निफिकेंट। Once the zero point of potential is set, then every potential is measured with respect to that reference. Okay? जैसे मैंने आपको बोला है कि potential at point y measure करना था, तो हम लोगों ने उसको क्या लिखा, VYT. Okay? VYT यानी potential difference between the electric potential at point y and electric potential at point t. लेकिन VT का value zero है, तो indirectly हमें result क्या मिला? VY is actually equal to what? VYT. अब ये जो point है ओके मैं थोड़ा सा कलर यूज जो कर रहे हैं हम लोग ना उसको चेंज करता हूँ, यानी आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। और ये आपका जीरो पोटेंशियल का पॉइंट है, ओके सो अगर मैं ऐसा भी लिखता हूं ओके वी ए टी, वी ए टी विल बी इक्वल टू व्हाट, वी ए माइनस वी टी, दैट विल बी इक्वल टू वी टी का वैल्यू जीरो है तो आपको क्या मिलेगा, वी ए। यानी विथ रेफरेंस टू या विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट टी अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता हूं तो मुझे क्या मिलता है,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओके एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ये आपको आ रहा है समझ में? तो हम लोग बोलते हैं कि वंस द जीरो पॉइंट ऑफ पोटेंशियल इज सेट देन एवरी पोटेंशियल इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस. ओके द जीरो पोटेंशियल इज सेट कन्वीनियंटली, इट डिपेंड्स ऑन अस. ओके इन केस ऑफ अ पॉइंट चार्ज और अ लोकलाइज कलेक्शन ऑफ चार्जेस द जीरो पॉइंट इज सेट एट इन्फिनिटी. ओके अब ये क्यों बोलते हैं हम लोग कि इन्फिनिटी के ऊपर ही क्यों होगा? ओके तो इसके पीछे एक रीजन है. अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे एक डिस्टेंस एल कंसिडर किया था, जैसे पॉइंट ओ से लेके जो पॉइंट टी का डिस्टेंस है. ओके ये ब्लू लाइन से जो मैं मार्क कर रहा हूँ इसको हम लोगों ने रैंडमली एल बोल दिया था, लेकिन ये एल क्या है? इट इज अ वेरी लार्ज डिस्टेंस. ओके यस, तो जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखता हूँ तो वी इज नथिंग बट इक्वल टू 1/4πε0 एज्यूमिंग कि उसको स्पेस में रखा हुआ है चार्ज को, कैपिटल क्यू अपॉन आर. अब वी का वैल्यू जीरो तभी होगा when r will approach infinity. When r will approach infinity, v will approach what? The value of zero. Okay? इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सिंगल पॉइंट रहा या सिस्टम ऑफ चार्जेस रहा, ओके तो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. ओके इनफाइनाइट यानी अभी ऐसा मत समझो कि हम लोग एकदम लाइट ईयर्स की बात कर रहे हैं. ओके इनफाइनाइट का मतलब क्या है? एट अ लार्ज डिस्टेंस. ओके ये आपको आ रहा है समझ में? सो वी से In case of point charge or localized collection of charges, the zero point is set at infinity. For electrical circuits, okay, the earth is usually taken to be at zero potential. ठीक है, अब आप जैसे कुछ circuit diagrams देखते होंगे, तो वो circuit diagram में आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि एक जो particular point है ना, ठीक है, उसको earthing provide की हुई. ओके अब उसका क्या यूज है या क्या एप्लीकेशन है? ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि फिलहाल आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो जो अर्थिंग है या जब हम लोगों ने उसको अर्थ को कनेक्ट किया हुआ है, तो अर्थ कैन बी कंसीडर्ड एज व्हाट? जीरो पोटेंशियल. ठीक है, ये अभी सर्किट है ना, मैंने सिंपली एक लूप दिखाया है. ठीक है, इसके अंदर बैटरी और एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स हो गए, वो सब नहीं दिखाए. ठीक है, मैं बस आपको अर्थिंग का सिंबल दिखाना चाहता था. एनी वे, सो विल से For electrical circuits, the earth is usually taken to be at zero potential. Thus, the potential at point A in the electric field is the amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to a point A. Okay, ये तो basic definition ही है, ये आप लोगों ने note कर लेना है. जब हम लोगों ने lecture start किया था, okay, तब भी ये definition के बारे में discuss किया था. तो what exactly is electric potential? Okay, electric potential is work done on unit charge to bring the charge from infinity to a given point. ओके okay? और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जो हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज एट द सेम पॉइंट. ये क्लियर है आप लोगों को? ओके okay? यस yes? इसके बाद एक एग्जांपल दिया हुआ है. पोटेंशियल एट पॉइंट ए इन स्पेस इज गिवन एज 4×10⁵ वोल्ट. फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 3 μC. 3 μC यानी कितना हुआ? 3×10⁻⁶ कूलम. ओके फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट. ठीक है, अब फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट यानी हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ओके टू ब्रिंग it from infinity to a given point, that is nothing but equal to what? Electric potential at that point. Okay, so let us say हम लोग बोलते हैं ये capital plus Q है. ठीक है, और आप एक small Q को लेके आ रहे हो. Okay, और ये Q का जो value है कितना दिया हुआ है? It is given as 3 μC. Okay, 3 μC यानी 3×10⁻⁶ कूलम. Okay, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 3×10⁻⁶ कूलम. ओके और जो पॉइंट पे आप लेके आ रहे हो वो पॉइंट कौन सा है? ए है. ओके पॉइंट ए इस तरह से कि हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट वी ए इज गिवन एज 4×10⁵ वोल्ट. ओके यस, तो आप बोलोगे कि सर ये सिंगल पॉइंट की वजह से पोटेंशियल है या एन नंबर ऑफ पॉइंट्स की वजह से है? तो डिपेंड्स. ओके क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि ऐसा भी हो सकता है Q1 Q2 Q3 ओके ऐसे कुछ n नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से जो यहाँ पे पोटेंशियल है VA, that is equal to what? 4×10⁵ वोल्ट. एनीवे वी से बाय डेफिनेशन VA इज नथिंग बट वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज. अब ये जो वर्क कर रहे हैं हम लोग, ओके इट इज अगेंस्ट द फील्ड, ये ध्यान में रखना आपने. तो वर्क डन ओके टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी. ओके इन्फिनिटी का मतलब क्या? तो जहां पे हम लोग बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो जीरो है outside the field, itna simple aapne dhyan mein rakhna hai. Okay, infinity to a given point A upon the unit charge. Okay, unit charge ya jo bhi particular charge consider kar, VA ka value kitna hai? 4×10⁵
ओके, उसको क्यू जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्यू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू का वैल्यू कितना है, 3 × 10⁻⁶, एंड दैट इज गोइंग टू बी वॉट, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज टू पॉइंट ए, इन्फिनिटी टू ए को मैं ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। देयरफॉर डब्ल्यू ए का जो वैल्यू आपको मिलेगा दैट विल बी 4 × 3 = 12, 10⁵ × 10⁻⁶, ये आपका क्या हो जाएगा 10⁻¹। ओके, सो 12 × 10⁻¹ यानी 1.2 जूल, ये आपका आंसर है। ओके, तो डब्ल्यू ए का वैल्यू कितना आएगा आपका 1.2 जूल, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, तो यहाँ पे उन्होंने उसको W इन्फिनिटी लिखा हुआ है, ठीक है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, ठीक है। हम लोगों ने अगर ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, ओके, W A लिखो या फिर उसको इस तरह से भी लिखा आपने तो भी चलेगा, ओके, यस। अच्छा, ये सम का सेकेंड पार्ट क्या है, डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द पाथ अलॉन्ग विच द चार्ज इज ब्रॉट, ओके, यस। अभी ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता है कि सर हम लोग यहां पे जो चार्ज लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो ये चार्ज लेट अस से ये हम लोग बोल रहे हैं ये पॉइंट ऑफ इंफिनिटी है, ओके, तो अगर ये पॉइंट ऑफ इंफिनिटी है तो सेम डिस्टेंस पे हम लोग का ये भी क्या है, पॉइंट ऑफ इंफिनिटी है। तो जब आप ये पॉइंट से, ओके, या ये पॉइंट से अगर आप पॉइंट ए पे लेके आ रहे हो, ओके, ये दोनों ही पॉइंट क्या है, इंफिनिटी क्या है, ठीक है, दोनों ही केसेस में हम लोग बोलेंगे जो वर्क डन रहेगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट उसका वैल्यू क्या रहेगा, इट विल बी कॉन्स्टेंट। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके, यस। तो ये जो वैल्यू है W फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट A, ओके, इट इज कॉन्स्टेंट। अभी आप बोलोगे सर ये तो पोजिशन हो गया कि आपने पोजिशन चेंज किया है या जो आर्बिट्री पॉइंट है जीरो पोटेंशियल का वो चेंज किया है। अगर मैं इसको इस तरह से लेके आता हूँ, यहां से पहले ये पॉइंट पे लेके आया और फिर ये पॉइंट से ये पॉइंट पे लाया मैं, ओके, यस, तो क्या हम लोग बोलेंगे जो एनर्जी स्पेंड हुआ है, ओके, वो ज्यादा होगा। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि आप इन्फिनिटी से डायरेक्टली पॉइंट ए पे लेके आओ या इन्फिनिटी से पहले पॉइंट, लेट अस से इसको मैं एम बोल देता हूं, तो इन्फिनिटी से पॉइंट एम पे लेके आओ और फिर एम से पॉइंट ए पे लेके आओ, ठीक है, यस। तो आप पाथ वन सिलेक्ट करो या पाथ टू सिलेक्ट करो, हम लोग बोलेंगे कि जो एनर्जी स्पेंड हुआ है, ओके, इट विल डिपेंड ऑन वॉट, द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ओके। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन वॉट द पाथ फॉलोड, ओके। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है कि हम लोग बोलते हैं डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द पाथ अलॉन्ग विच द चार्ज इज ब्रॉट, तो हम लोग बोलेंगे आंसर क्या रहेगा, नो, ओके, द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ विच इज फॉलोड। ये क्लियर है आप लोगों को, ओके। इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 120 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 6 कूलम फ्रॉम place where the potential is 10 volt to another place, okay, where the potential is V, find the value of V, okay. तो अब एक बात दी हुई है कि यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है 120 joule of work is done in carrying a charge of, okay, 6 coulomb from a place where potential is 10 volt, okay, to another place where the potential is V. अब देखो जो work कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं, तो लेट अस से हम लोग बोलेंगे कि दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है, पॉइंट बी जो है वो 10 वोल्ट पे है और पॉइंट ए जो है वो वी वोल्ट के ऊपर है, ठीक है। पॉइंट बी से पॉइंट ए मैं यहां पे एक चार्ज एज्यूम कर लेता हूं कैपिटल प्लस क्यू, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा पॉइंट ए इज क्लोजर, ओके, एज कंपेयर टू पॉइंट बी, ओके, फ्रॉम वॉट, कैपिटल प्लस क्यू, यानी पॉइंट ए क्या है, तो इट इज क्लोजर टू कैपिटल प्लस क्यू एज कंपेयर टू पॉइंट बी। मैं बोलूंगा वी ए का वैल्यू क्या रहेगा, इट विल बी ग्रेटर देन वी बी, ओके। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा वी ए माइनस वी बी, ओके। अब ये जो भी रहने वाला है, ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, इट विल बी नथिंग बट वी ए बी एंड दिस वी ए बी इज नथिंग बट वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए पर यूनिट गिवन चार्ज, ओके। तो अभी वी ए का वैल्यू तो वी कंसिडर करते हैं, वी बी का जो वैल्यू है वो हम लोग 10 कंसिडर करेंगे। वर्क डन टू ब्रिंग फ्रॉम बी टू ए, यानी फ्रॉम पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल, वी आर डूइंग दिस वर्क अगेंस्ट द सिस्टम, तो कितना दिया हुआ है 120 जूल और चार्ज कितना कंसिडर किया हुआ है 6 कूलम, तो ये आपका हो जाएगा 120 अपॉन 6, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट 20, तो वी माइनस 10 इज इक्वल टू 20, तो आपका जो वी का वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा, इट विल बी ऑफ 30 वोल्ट, ओके।
यानी यहाँ पे जो पोटेंशियल रहेगा वो 30 वोल्ट का रहेगा और ये जो है आपका 10 वोल्ट का है, ये क्लियर है आप लोगों को? ओके okay? अब इसके बाद ओके यहाँ पे उन लोगों ने पॉइंट्स उल्टे कंसिडर किए, बी जो है वो हायर पोटेंशियल का कंसिडर किया है और जो ए है वो लोअर पोटेंशियल का किया है। ओके ये आपके ऊपर है। ओके हम लोगों ने यहाँ पे जो लिए पॉइंट्स ए एंड बी, उसमें पॉइंट ए को हायर पोटेंशियल का लिया है, ठीक है। एनीवे जो आंसर आ रहा है हमारा क्या आ रहा है, सेम, इट इज अबाउट 30 वोल्ट। ओके नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके अब यहाँ पे उन्होंने एक और ये दिया हुआ है, डाइपोल एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो ये पार्ट को फिलहाल आप निग्लेक्ट करो। अभी जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज टोटली ऑन वॉट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके नाउ अगर आप ये डायग्राम को देखोगे, ओके तो क्या बोला हुआ है, ओके फिगर 8.6 शोज अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, ओके विच इज लोकेटेड एट पॉइंट ओ, वी नीड टू डिटरमाइन इट्स पोटेंशियल एट पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। एज सीन अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज विच इज डिस्प्लेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। ओके एज द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ओके वी चूज अ कन्वीनियंट पाथ अलॉन्ग द लाइन एक्सटेंडिंग ओ ए टू इन्फिनिटी। ओके अब बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बोलो, ओके कि सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन डिस्कस किया है। ओके तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन किस तरह से है, तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, ओके विच इज डिस्प्लेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। ओके यस तो ये तो हम लोगों को डेफिनेशन पता है। दूसरा उन्होंने क्या बोला है, एज द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ वी चूज द कन्वीनियंट पाथ अलॉन्ग द लाइन एक्सटेंडिंग ओ ए टू इन्फिनिटी, ठीक है। अगेन ये जो डेरिवेशन है यहाँ पे दिया हुआ है, ओके ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं। ओके लेकिन अब इसको जो हम लोग देखने वाले वो स्केलर फॉर्म में देखने वाले बेसिकली। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये डायग्राम वापस बना देता हूँ। अच्छा आपकी टेक्स्ट बुक में स्मॉल प्लस क्यू लिया हुआ है, लेकिन फिलहाल मैं इसको क्या कंसिडर कर रहा हूँ, ओके लेट अस से उसको मैं कैपिटल प्लस क्यू कंसिडर कर देता हूँ, ठीक है। या फिर एक काम करते चलो उसको स्मॉल प्लस क्यू लेते हैं, ओके और यहाँ पे उन्होंने जो यूनिट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओके तो उसको उन्होंने दिखाया ही नहीं है, सिंपली क्या बोला हुआ है कि इट इज इनिशियली एट पॉइंट एम, और पॉइंट एम से आप उसको कहाँ पे डिस्प्लेस कर रहे हो, पॉइंट एन पे। ओके तो लेट अस से जो यूनिट चार्ज है, ओके यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओके जिसको हम लोग पॉइंट एम पे दिखा रहे हैं, ओके जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है तो उसको हम लोग नॉर्मली स्मॉल प्लस क्यू बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी जो स्मॉल प्लस क्यू है वो हम लोगों ने जो ओरिजिनल चार्ज है, ओके उसको कंसिडर किया हुआ है विच इज एट पॉइंट ओ, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाला है। तो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको मैं क्यू डैश बोल देता हूँ, ओके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो जो नॉर्मल हमारा प्लस क्यू है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज विच प्रोड्यूसेस द फील्ड एंड प्लस क्यू डैश जो है उसको हम लोग टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। एनीवे तो यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इनिशियली जो हमारा प्लस क्यू है उसको हम लोगों ने पॉइंट ओ पे रखा हुआ है, एंड जो क्यू डैश है, ओके अब जो क्यू डैश है विच इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज उसको कहां पे रखा है, पॉइंट एम, एंड ओ और एम के बीच में जो डिस्टेंस है, ओके ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, विल कॉल इट एज एक्स, ठीक है। अब पॉइंट एम से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो चार्ज है उसको वी आर ब्रिंगिंग इट क्लोजर टू वॉट, पॉइंट ओ, कैसे, तो हम लोग उसको पॉइंट एम से ढकेल के पॉइंट एन तक लेके आ रहे हैं, ठीक है। और जब मैं इसको मूव करूंगा टू द न्यू पोजिशन तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी वॉट, डी एक्स, ठीक है ये क्लियर है। मैं यहाँ पे कुछ जो पार्ट है उसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, जैसे जो क्यू डैश हम लोगों ने लिखा है, ओके तो क्यू डैश को मैं इधर लिख लेता हूँ, क्यू डैश यहाँ पे था आपने उसको यहाँ पे शिफ्ट किया है, ठीक है। और ये पॉइंट पे मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पे
डेफिनेटली एट डिस्टेंस एक्स एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करेगा, ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा हुआ है, और इसको मैं बोल देता हूं एफ, ओके, या वेक्टर एफ, ओके। और जो वेक्टर एफ का डायरेक्शन है वो ही हम लोग बोलेंगे जो हमारा ओ एम है, ओ से लेके एम तक, ओके। तो ओ एम, वेक्टर ओ एम का जो डायरेक्शन है एंड वेक्टर एफ का डायरेक्शन है वो क्या है, आर अलोंग सेम डायरेक्शन, ओके, ऐसा मैं लिख देता हूं। तो ये डेरिवेशन हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, लेकिन जो अभी हम लोग कर रहे हैं उसमें डिफरेंट क्या है, ओके। तो उसमें बस इतना है कि हम लोगों ने डायरेक्टली स्केलर फॉर्म कंसिडर किया, ठीक है, और कैसे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसके अगेंस्ट आप क्या करते हो, अप्लाइड फोर्स लगाते हो, ठीक है, और उसको बाय डिस्टेंस डीएक्स मूव करते हो। तो ये थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था डीडब्ल्यू, ओके, आपको क्या मिलेगा, इट विल बी एफ ए इंटू डीएक्स, यानी अप्लाइड फोर्स, एफ ए इंटू डिस्प्लेसमेंट डीएक्स, या फिर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस एफ इंटू डीएक्स, ओके। ये भी हम लोगों ने देखा है, दिस इज बेसिकली वॉट यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट वॉट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, ओके, या फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, ठीक है। एनीवे जो एफ का वैल्यू रहेगा, तो एफ का वैल्यू क्या है वो निकाल लेते हैं हम लोग। एफ इज नथिंग बट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे जो दो चार्जेस है उनके बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, कूलम्स लॉ लगा रहे हैं, ओके। सो यहां पे आएगा प्लस क्यू इंटू प्लस क्यू डैश, ओके, अपॉन आर स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस कंसिडर किया वो क्या किया हम लोगों ने, एक्स कंसिडर किया, ओके। तो यहाँ पे ओ एम का वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू एक्स, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू डैश अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपको कुछ डाउट आएगा कि सर इसमें जो क्यू डैश है वो यूनिट चार्ज है, तो क्या प्लस क्यू यूनिट चार्ज हो सकता है, क्या हो सकता है, ओके। प्लस क्यू कैन बी अ यूनिट चार्ज ऑल्सो, और इट कैन बी अ चार्ज विच हैज अ हायर मैग्नीट्यूड या ग्रेटर मैग्नीट्यूड, ये क्लियर है, ओके। अब ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे ये जो वैल्यू है ये मैं ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो मुझे मिलेगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू डैश अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, ओके, ये क्लियर है। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर आप सिंपली पॉइंट एम से एन उसको मूव कर रहे हो तो जो आपको वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी डी डब्ल्यू। तो अगर आप उसको, ओके, लेट अस से एक पॉइंट है टी, वो इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी का मतलब क्या, तो हम लोग बोलेंगे वी टी का वैल्यू क्या रहेगा, जीरो। अगर आप उसको पॉइंट टी से, ओके, पॉइंट ए पे लेके आ रहे हैं विच इज एट डिस्टेंस आर, ओके, तो पॉइंट टी का जो डिस्टेंस है, यहां पे दिखा देता हूं मैं, पॉइंट टी का जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी है, और आप इन्फिनिटी से अगर पॉइंट ए पे लेके आ रहे हो तो टोटल वर्क कितना रहेगा, ओके, तो वो जो वर्क रहेगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, ओके। अब डी डब्ल्यू जो था वो तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए था डीएक्स, लेकिन अगर आप इन्फिनिटी से आर पे लेके आ रहे हो तो यहाँ पे जो लिमिट्स रहेगी वो क्या रहेगा, फ्रॉम इन्फाइनाइट या फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, ओके। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो जो डब्ल्यू रहेगा दैट विल बी ये इन्फिनिटी टू आर हो जाएगा। डी डब्ल्यू का वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, इट इज, तो डी डब्ल्यू का वैल्यू क्या है, इट इज माइनस एफ इंटू डीएक्स, दैट इज माइनस इंटू एफ का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू डैश अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एफ इंटू क्या है डीएक्स, तो ये डीएक्स एज इट इज रहेगा। अब जितने भी कॉन्स्टेंट टर्म है वो सब बाहर आ जाएगा, यानी -1 बाहर आ जाएगा, 4 पाए एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्यू एंड क्यू डैश ये भी बाहर आ जाएंगे, ठीक है। बचेगा क्या, तो हम लोग बोलेंगे लिमिट बिटवीन इंफिनिटी टू आर, जो एक्स स्क्वायर है उसको मैं ऐसे लिख देता हूं एक्स रेस टू -2 इंटू डीएक्स, ठीक है। और हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डीएक्स इज नथिंग बट एक्स रेस टू n+1 अपॉन n+1, ओके, प्लस सी, ओके। तो अभी ये तो डेफिनेट इंटीग्रल है, तो एनी वे ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, क्यू इंटू क्यू डैश, ओके। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद मैं बोलूंगा डेफिनेट इंटीग्रल में अगर ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ओके, तो यहां पे हम लोग बोलेंगे सी नहीं आएगा,
और जो भी आपका आंसर रहेगा उसको आपको लिमिट लगाना पड़ेगा लाइक दिस इंफिनिटी टू आर. तो बेस्ड ऑन दिस हम लोग बोलेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स रेज टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन बिटवीन लिमिट्स इंफिनिटी टू आर. ओके, अब ये जो वर्क डन है, ओके, तो उसके नीचे मैं क्या करता हूँ, क्यू डैश को लेके आता हूँ, और यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, क्यू इनटू ब्रैकेट, ओके, दिस विल बिकम एक्स रेज टू माइनस वन अपॉन माइनस वन बिटवीन लिमिट्स इंफिनिटी टू आर. ठीक है, अब हम लोगों के पास स्पेस नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, ये साइड का जो पार्ट है उसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ. ओके, तो बेसिकली मैंने ये साइड का पार्ट क्लियर किया. सो वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओके, या यूनिट टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं इसको, ओके, क्यू डैश दिस विल बी इक्वल टू माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट. ये जो माइनस वन है आप इसको बाहर निकाल सकते हो, तो माइनस वन और ये माइनस वन, ओके, तो माइनस वन अपॉन माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस वन. ओके, आपके पास क्या रहेगा, एक्स रेज टू माइनस वन जो है उसको मैं लिख देता हूँ वन अपॉन एक्स बिटवीन द लिमिट्स इंफिनिटी टू आर, ये नहीं हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इंफिनिटी. ओके, यस, और एक और पार्ट मिसिंग है जो मैंने यहां पे इंक्लूड नहीं किया. ओके, दैट वाज ऑफ क्यू. ओके, क्यू लिखना भूल गया था मैं, तो क्यू इधर भी आएगा और इधर भी आएगा. ओके, तो ये हो जाएगा आपका क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, इंटू वन बाय आर माइनस वन अपॉन इंफिनिटी. वन अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो. ओके, तो ये पूरा पार्ट आपका जीरो हो गया और बचेगा क्या, ओनली वन अपॉन आर. सो वी से वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट व्हिच इज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिनल चार्ज. ओके, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर. ठीक है, अब ये डेरिवेशन आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है. ओके, ओके, तो टेक्स्ट बुक में जैसे आप देख सकते हो कि बहुत सारी चीजें उन लोगों ने एक्सप्लेन नहीं की है, जैसे वी इक्वल टू डब्ल्यू दिया हुआ है. ओके, तो ये पार्ट क्या है, दिस इज इनकरेक्ट. यहां पे ऐसा होना चाहिए था वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन द गिवन यूनिट चार्ज, ओके, जिसको आप लेके आ रहे हो. ओके, तो वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू डैश होना चाहिए था. ऐसे कुछ कुछ जो पॉइंट्स है तो वो अगर आप डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में से पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे आएगा. ओके, तो इसलिए ये जो डब्ल्यू है उसको इक्वेशन में कंसिडर ही फिलहाल मत करो. ओके, यस, अभी यहाँ पे भी जो है डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन इन टू आर. ओके, इसका कोई सेंस नहीं बनता है, डायमेंशनली भी ये करेक्ट नहीं. तो यहाँ पे क्या आएगा, एक और चार्ज आना चाहिए जो उन्होंने दिया नहीं, और वो कौन सा, तो जो एक्सटर्नल चार्ज को आप लेके आ रहे हो, जो हम लोगों ने क्यू डैश कंसिडर किया है. ठीक है, तो मैंने जो आपको यहाँ पे बेसिक डेरिवेशन लिख के दिया हुआ है, ओके, जहां पे ये इक्वेशन मिल रहा है वी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर. ओके, तो आपने ये रिफर करना है. ठीक है, दूसरी बात हम लोग बोलते हैं कि जो वी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. तो अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज है उसका ग्राफ अगर मैं बनाता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा. अब ये जो डॉटेड लाइन है वो हम लोग बोलते हैं दैट इज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ये क्या बता रहा है कि अगर आप R का वैल्यू बढ़ाते हो तो देखो जैसे जैसे R का वैल्यू बढ़ रहा है, जो डॉटेड लाइन से आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होते जाता है, कम होते जाता है. ओके, यस, और साइमल्टेनियसली उन्होंने क्या बोला है कि जो E है, E का फॉर्मूला क्या है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर. तो E का फॉर्मूला और V का फॉर्मूला बहुत सिमिलर है, सिर्फ यहां पे R है और इधर क्या है, आर स्क्वायर. तो हम लोग ऐसे केस में बोलेंगे E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉट, आर स्क्वायर. अगेन यहां पे जो E का भी ग्राफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, तो वो भी आपको इसी तरह से कर्व मिलेगा. ओके, और हम लोग बोलेंगे कि जो कर्व है, ओके, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. यानी अगर R का वैल्यू बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ओके, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होते जाएगा. लेकिन डेफिनेटली दोनों जो कर्व्स है अगर आप देखोगे वो अलग है. ओके, जो डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है कर्व दैट इज ऑफ वी विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और जो सॉलिड लाइन से बताया हुआ है दैट इज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ये आपको आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये ग्राफ भी आप लोगों ने अच्छे से ध्यान में रखना है, इसको बना भी लेना है. ठीक है, यस,
आई होप आपको ये जो डेरिवेशन है वो अच्छे से समझा है, ठीक है। इसके बाद यहां पे ध्यान में रखना है, ड्यू टू सिंगल चार्ज एट डिस्टेंस आर द फोर्स एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बट पोटेंशियल वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर। ओके, यानी हम लोग बोलते हैं अगर मैं कूलम्स लॉ में एफ का वैल्यू देखू तो एफ क्या है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ओके क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर मैं बोलता हूं कि सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर सेम है तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉट आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बट पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये क्लियर है? ओके, यस। एनी वे तो आज के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। यस, अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आपने क्या करना है, प्लीज ग्रुप के ऊपर मुझे क्वेश्चन पूछना है, और अगर ग्रुप पे मैं रिप्लाई नहीं करता हूं तो आपने मुझे प्लीज पर्सनली मैसेज करना है, आपने आपके बैच का नाम बताना है कि आप कौन से बैच में हो, ठीक है। यस, और आप लोगों ने आपका नाम भी देना है, मेंशन करना है। ओके, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे क्या कर सकते हो, पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो और डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। यस, एनीवे आज के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं।